डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिताक्षरा कानून की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शून्य या शून्य विवाह यानी वॉइडेबल मैरिजेस से जन्मे बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपना माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ये बच्चे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे। शून्य विवाह एक ऐसा विवाह है जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष के तहत इसे रद्द कर सकता है। चलिए अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। तो वर्ष 2011 के रेवना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन वाद में यह फैसला दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि शून्य विवाह से जन्मे बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्व अर्जित हो अथवा पैतृक। ये मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। इस फैसले ने ऐसे बच्चों के विरासत या पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की रीढ़ रखी। चलिए अब जान लेते हैं कि मिताक्षरा कानून क्या है। तो मिताक्षरा कानून हिंदी कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करता है। ये एक कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है। ये हिंदू कानून के दो प्रमुख स्कूलों में से एक है और दूसरा भाग दयाभागा स्कूल है। दयाभागा स्कूल के अनुसार बेटे के पास जन्म से कोई स्वचालित स्वामित्व अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह अपने पिता की मृत्यु पर इसे प्राप्त कर लेता है। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। और अब आखिरी में बात बेटी की विरासत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। वर्ष 2022 के अरुणाचल गोंडर बनाम पोन्नू स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होने वाले हिंदू पुरुष की स्वार्जित संपत्ति बिना वसीयत लिखे विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तराधिकार द्वारा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति बेटी को विरासत में मिलेगी जो कि बंटवारे के माध्यम से प्राप्त सहदायिक संपत्ति के अलावा होगी। इसी तरह वर्ष 2020 के विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा और वह पैतृक संपत्ति को पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही प्राप्त कर सकती है, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभाव में आने से पहले उसके पिता जीवित नहीं थे। चलिए अब नोट कर दीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। मिताक्षरा कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह हिंदू कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। और कथन दो है, ये कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।